तो आज हम पढ़ेंगे मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया चैप्टर द गोल्ड वॉच, जिसमें गोल्ड वॉच को मद्देनज़र रखते हुए इस चैप्टर में जॉब से रिटायर्ड हो रहे मिस्टर शर्मा के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा दर्शाया गया है कि प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ उन लोगों की ही वैल्यू की जाती है जो लोग अपने काम को अच्छी तरह से निभाते हैं, और जो लोग अपने काम को अच्छी तरह से नहीं निभा पाते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है बिना उनके फ्यूचर के बारे में सोचे हुए। वो लोग उनको निकालते समय उनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, वो उनको बस फोर्सफुली निकाल देते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे एक मिस्टर एक्टन होते हैं जो कि मैनेजर होते हैं कंपनी के, और जो बहुत ही होशियार अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। वो सुबह शाम सिर्फ अपना काम से ही मतलब रखते हैं, उन्हें अपने काम के अलावा कुछ और बात नहीं सूझती है। इसमें हम यूँ भी देखेंगे कि उनका 3 महीने के बाद उन्हें उनकी बीवी छोड़ के चली जाती है। ये चैप्टर में नहीं बताया गया कि वो क्यों छोड़ के जाती हैं, पर वो छोड़ के चली जाती हैं शायद इसी वजह से क्योंकि वो काम में इतने उलझे हुए रहते हैं कि अपनी बीवी को अच्छे से समय नहीं दे पाते हैं जो कि उनको देना चाहिए। शायद वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती दिखाए गए हैं इस चैप्टर में, जो कि पूरी कंपनी को संभाल रहे हैं, मैनेजर हैं वो इस कंपनी के। दूसरी तरफ हमें मिस्टर शर्मा दिखाए गए हैं जो कि क्लर्क हैं इस चैप्टर में, जो किसी के द्वारा लगाए गए हैं, जो मिस्टर एक्टन के नीचे काम करते हैं। वो इस चैप्टर में उनके बारे में ये बताया गया है कि जब वो शुरुआत में आए थे तो वो अच्छी तरह से अपने काम को नहीं निभा पा रहे थे, तब उनके बारे में बहुत सारी बातें हुई, उनको मतलब ना पसंद किया गया, पर जैसे जैसे धीरे धीरे उन्होंने अपना काम अच्छे से संभालना स्टार्ट करा और अपने काम में अच्छे होते गए तो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होने लगी, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया। अब वो सबकी आंखों में छा चुके थे, उनको कम से कम 20 साल हो चुके थे इस कंपनी में काम करते हुए, तो वो अभी भी यही सोच रहे थे कि अभी भी बहुत टाइम है उनके पास और वो इस कंपनी को पूरे 5 साल अभी भी देना चाहेंगे। इतनी देर में मिस्टर एक्टन उनके पास आते हैं, उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। तो मिस्टर एक्टन उनको बताते हैं कि वो उनके लिए कुछ लाए हैं, पर वो उनसे मतलब बताते हैं कि मतलब कि वो उनके लिए गोल्ड वॉच लेकर आए हैं लंदन से और वो उन्हें देना चाहते हैं। तो मिस्टर शर्मा जो होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं इस जगह पर वो साथ ही साथ निराश भी होते हैं ये सोचते हुए कि वो मेरे लिए गोल्ड वॉच क्यों लेकर आए हैं। तो यही सोचते सोचते उनके माइंड में बहुत सारी बातें आती हैं। कभी वो सोचते हैं कि शायद ये मुझे रिवॉर्ड देना चाहते हैं, मैंने इतना अच्छा काम करा है मतलब 20 सालों तक शायद इस वजह से। फिर वो अपने घर की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे उनका एक बेटा और एक बीवी होती हैं। वो लोग सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। इतनी ही देर में मिस्टर शर्मा जो होते हैं वो अपनी बीवी और बच्चे को बताते हैं कि मिस्टर एक्टन आज मुझे मिले थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए गोल्ड वॉच लेकर आया हूँ। बस मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझे ये गिफ्ट क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ काम भी नहीं करा कि मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मिले। फिर वो एक तरफ यूँ भी बोलते हैं कि क्या पता शायद मेरे रिटायरमेंट का समय आ चुका है और शायद रिटायरमेंट पे वो मुझे एज अ गिफ्ट देना चाहते हैं ये। तो इतनी देर में उनका बेटा उनसे बोलता है कि पापा जब आपको उस गोल्ड वॉच मिल ही रही है तो ये सिल्वर वॉच आप मुझे दे दो। तो उसके जो पापा होते हैं वो सिल्वर वॉच उतार के उसको दे देते हैं।
वो सोचते हैं कि अब ये तो मेरे किसी काम की है नहीं, इस वजह से वो उतार के उसको दे देते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, मंडे मॉर्निंग होती है, जहाँ पे मिस्टर एक्टन अपनी जगह पे काम कर रहे होते हैं, और मिस्टर शर्मा को वो किसी के द्वारा बुलवाते हैं। मिस्टर शर्मा उनके पास आते हैं, तो मिस्टर एक्टन उनको गोल्ड वॉच देते हुए कहते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने हमें इतने साल दिए, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपने इस कंपनी को अपना बहुत ज़्यादा वक्त दिया है, अब आपके रिटायरमेंट का समय आ चुका है और आपको अपने गांव चले जाना चाहिए, जहाँ पर आप हमेशा से जाना चाहते थे। मिस्टर शर्मा इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी बहुत कुछ करना था लाइफ में, उन्हें अभी भी वो 5 साल देने थे लाइफ में, लेकिन जस्ट बिकॉज़ वो इस चीज़ को रोक नहीं सकते हैं, उनको फोर्सफुली रिटायर किया जा रहा है। लेकिन मिस्टर एक्टन वो बात नहीं समझते हैं, और मिस्टर शर्मा भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो रिटायर हो जाते हैं। आगे जब वो चलते हैं तो उनसे गोल्ड वॉच जो होती है वो नीचे गिर जाती है, वो टूट जाती है, लेकिन मिस्टर शर्मा उसको नहीं जुड़ाते हैं बिल्कुल भी, वो उसको ऐसे उठा के ऐसे रख देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अब ये मेरे किस काम की, मैं जब आता था अपने काम पे तभी तो ये वॉच पहन कर आता था, लेकिन अब वो काम ही नहीं रहा तो मेरा इस गोल्ड वॉच का भी कोई फ़ायदा है नहीं। यही भी मतलब ख़त्म होता है चैप्टर। इस चैप्टर में यूँ दिखाया गया है कि कैसे लोगों को फोर्सफुली उनकी जॉब से निकाल दिया जाता है, उनके आगे पीछे वो उन्होंने कुछ प्लान नहीं कर रखा था, वो बहुत ज़्यादा ही निराश हो जाते हैं इस वक्त पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डू लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल।